हेलो नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल आदाब। तो घूमता राम का राम राम जी। हाँ, तो हमने हमारा जो सफ़र उत्तराखंड का शुरू किया था, ये है हमारा सेकंड एपिसोड। अभी हम पहुंच गए हैं GMVN मंदाकिनी रिसोर्ट, जो कि रुद्रप्रयाग से कुछ करीबन 20-25 मिनट दूरी पे है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। अगर आपको आवाज़ आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये मुझे पानी का आवाज़ आ रहा है, जो मंदाकिनी रिवर है। अभी रात हो गई है, मतलब शाम हो गई है, 7 बज गए करीबन, 6:30। तो अभी तो यहाँ बहुत अंधेरा है। कल सुबह आपको बताएंगे मंदाकिनी GMVN रिसोर्ट और यहाँ की सैर कराएंगे। और ये GMVN मंदाकिनी रिसोर्ट जो है रुद्रप्रयाग के पास, ये उसका रूम है। काफ़ी सुंदर रूम है, बहुत ही बढ़िया है। करीबन 150 स्क्वायर फीट का रूम, ब्लैंकेट्स, और ये बाथरूम अच्छा साफ सुथरा है, डिसेंट साइज है, हीटर भी है, और ये बालकनी हम आपको दिन में दिखाएंगे। ये बालकनी का व्यू बहुत ही बढ़िया है। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। देखो मुंह में से धुआं निकल रहा है। Oh, yes! बहुत मजा आ रहा है। अंधेरा भी है, जंगल है, नदी का आवाज है, काफी मजा आ रहा है। एक्चुअली आने जैसी जगह है। अगर आपको उत्तराखंड आना है तो जनरली लोग नैनीताल, मसूरी, ये सब फेमस प्लेस पे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ भी थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं टिलवारा, विच इज़ नियर टू रुद्रप्रयाग। और यहाँ से फिर आप जोशीमठ जा सकते हैं, औली जा सकते हैं स्कीइंग करने। गुड मॉर्निंग। तो आज है day 2 हमारी जो उत्तराखंड की जो जर्नी चल रही है। आपने देखा रहेगा कल हमने कैसे मुंबई से देहरादून ट्रैवल किया, वहाँ से हमने सेल्फ ड्राइव कार ली और हम पहुँच गए यहाँ चोपटा के पास, जो एक GMVN का मंदाकिनी रिसोर्ट है। यहाँ से चोपटा 1 घंटा ड्राइव है। देखते हम लोग चोपटा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी यहाँ है 0 डिग्री टेम्परेचर, सुबह के 8 बजे। आप देख सकते हैं माहौल और प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। बच्चे अभी भी सोए है, मानसी रेडी हो रही है। हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ घूमते हैं या फिर आगे चलते हैं, हमारे सफ़र औली की तरफ निकलते हैं। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, मज़ा आ रहा है। यहाँ अगर आप आते हैं नवंबर मिड और मार्च मिड के बीच में, तो आपको मेरे हिसाब से थर्मल जैकेट्स, कैप वगैरह सब लेके आना है, क्योंकि कभी भी टेम्परेचर दोपहर को इतना नहीं रहता है। दोपहर को आप आराम से विदाउट जैकेट भी घूम सकते हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग के 8 बजे बट टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड। अगर आप पीछे देख पा रहे तो मंदाकिनी रिवर है, मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ भी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है मंदाकिनी रिसोर्ट, जिसको बोलते हैं GMVN का। और ये तिलवारा करके एक गांव पड़ता है, रुद्रप्रयाग से करीबन आधा घंटा है। बहुत ज़बरदस्त ठंडी लग रही है। हम अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टी देखिए कितना बढ़िया रूम है। एक एक जो ऐसा अपार्टमेंट है उसके अंदर चार चार रूम है। अगर आप लोग 4 जन के फैमिली है तो सबसे बढ़िया आपको ये 4 रूम मिल जाती है एक साथ, मतलब पूरा बंगलो जैसा मिल जाता है। ये सुपर डिलक्स है, नीचे डिलक्स है कैटेगरी का। पानी भी अच्छा खासा गर्म आता है, इनके पास बॉयलर लगे हुए, आधा पौना बाल्टी पानी भर जाता है और उसके बाद फिर ठंडा आने लगता है। तो आप संभाल के रखिए, अगर आपने साबुन वगैरह लगा लिया और पानी ठंडा आना चालू हो गया तो फिर आप मर गए। तो थोड़ा सोच समझ के। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। अभी बच्चों के साथ भी नीचे आएंगे। रात को ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि थोड़ा अंधेरा था। और बोलते हैं कि यहाँ तेंदुआ वगैरह भी घूमते हैं, लेपर्ड वगैरह। गुड मॉर्निंग सर। ब्रेकफास्ट चालू है? ब्रेकफास्ट कितने बजे तक है? 10 बजे तक। अच्छा अच्छा वहाँ ही आके आ रहा है। हाँ ओके ओके। तो ब्रेकफास्ट हमारा है आज मॉर्निंग 10 o'clock तक का ब्रेकफास्ट है तिलवारा रिजॉर्ट में। अभी भी साला सुनसान है, घूमने को तो डर लगता है, बट आपको हम दिखाएंगे। या तो एक काम करते, थोड़ा मंदाकिनी रिवर बरोबर मेरे पीछे है। मुझे लगता है बच्चे वगैरह उड़ जाएंगे ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड है और बहुत ज़्यादा सुनसान भी है, फट रही है, पता नहीं कहाँ तेंदुआ छुपा हो। ओहो, ये जो नीचे है ये सब डिलक्स प्रॉपर्टी है, डिलक्स कॉटेजेस है, रूम्स है, काफ़ी डिसेंट साइज रूम है। प्रॉपर्टी भी बहुत बढ़िया है। कल हमने यहाँ से खाना मंगाया था, वो खाना भी बहुत बढ़िया था, बैंगन का भरता वगैरह बहुत ज़बरदस्त था। मतलब यहाँ और एक भी दिन अगर हम रहते 1 more day तो भी अच्छा रहता। ओह, ये सब गाड़ी का पार्किंग देखो, सुपर। ये पीछे पूरा पहाड़ी और जंगल एरिया है। 301 से 310 400, मतलब 20 रूम तो यहाँ ही दिख रहे।
वाह बहुत बढ़िया, ये एंट्री है, यहाँ से हमने एंट्री की थी कल रात को। रात मतलब क्या, शाम ही हो गई थी, 6-6:30 बजे थे, लेकिन अंधेरा इतना हो गया था जैसे रात के मिडनाइट हो गई है। बहुत फ्रीजिंग कोल्ड है अभी, 0 degree, लेकिन फील्स लाइक -5। चलो देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। गुड मॉर्निंग सर, आप लोग मस्त सेक रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये सब GMVN मंदाकिनी रिजॉर्ट के सब स्टाफ मेंबर है, बराबर ना? बहुत ही कोऑपरेटिव है, कल मजा आया, खाना अच्छा था, बैंगन भरता। अरे थैंक यू सर, आनंद लो। थैंक यू। बता रहे कि यहाँ तुंगनाथ जो मंदिर है वो यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर है, अगर आपको जाना है ट्रैक करना है। हम तो अभी नहीं जाएंगे बच्चों के साथ, वो बोला थोड़ा और भी ज़्यादा ठंडा है और थोड़ा ऊपर चढ़ना है, ट्रैक करना है नीचे पार्किंग से, फिर यहाँ से निकलेंगे ओली के लिए और आगे का सफ़र आपके साथ करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे ईच एंड एवरी। ये देखो ये कार हमने रेंट की है, डिज़ायर, ये करीबन हमको पड़ी है 18-19 हज़ार के बीच में हमको पड़ी है 8 दिन के लिए, 8 nights। हाँ 8 दिन का बुकिंग किया था, इसका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मिस्टर शंकर जो है इनसे हमने बुकिंग करवाई थी ये गाड़ी। बहुत बढ़िया है, सेल्फ ड्राइव गाड़ी है। और रास्ता मैं आपको बता दूं, अगर आप देहरादून से आ रहे हैं यहाँ तक का तो रास्ता एकदम बढ़िया था, थोड़ा हिली था लेकिन इतना रिस्की नहीं था, आराम से आप चला सकते हैं। अगर आप एक डिसेंट नॉर्मल ड्राइवर है तो आप गाड़ी लेके ही आइए, खुद चला के आइए। अब यहाँ से जो जोशीमठ का मतलब यहाँ से जो ओली का रास्ता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसा है, आप भी दिखेंगे सामने, ठीक ठाक ही होगा। लोग बोलते हैं या तो जोशीमठ में आप नीचे पार्क कर सकते हो और वहाँ से फिर केबल कार लेके आप ऊपर जा सकते हो, अगर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि रिटर्न आने के टाइम अगर बर्फ़बारी बहुत हो गई तो आपको फिर गाड़ी नीचे उतारने को जमेगी नहीं जमेगी, तो इसके लिए बेटर ये रहेगा जोशीमठ में पार्क कर दो, वहाँ से केबल कार ले लो और वहाँ से फिर ऊपर चले जाओ, सामान वगैरह आपका एक आ जाता है आराम से, लगेज वगैरह लेके आप लोग साथ में चले जा सकते हो। 500 रुपया कुछ टिकट है केबल कार का, जाके दिखाता हूँ आपको। वो देखो वो है मंदाकिनी रिवर, कितनी ज़बरदस्त, बहुत ही ऑफ बीट लोकेशन पे है। टिलवारा जो जगह है रुद्रप्रयाग से आधे घंटे पे, बहुत ही अलग है, रिवर साइड है और एकड़ों में मतलब कम से कम मुझे लगता है 10-15 एकड़ की प्रॉपर्टी रहेगी, 50 से जब ज़्यादा रूम है। तो ऐसे तो ऑफ बीट, अगर आप मुंबई दिल्ली से आ रहे हैं और यहाँ ऐसा कुछ फंक्शन करना चाहते हैं जिसमें 50 रूम्स की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ मस्त, किसी की तो शादी मंगनी ब्याह या फिर कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है, तो ये भी एक देखने जैसी जगह है। खाना पीना भी बढ़िया है, जगह लोग भी यहाँ के डिसेंट है और व्यू तो ऑसम है। ओए साचू भाऊ उठो, चलो 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 बाहर जो, 0 degree टेम्परेचर। गुड मॉर्निंग। दोनों बच्चे अभी उठ गए हैं और रेडी भी हो रहे हैं। इतनी ठंडी में किसको उठने को मजा आती है, ऐसा लगता है 11-12 बजे तक पड़े रहो, लेकिन क्या करें आगे का सफ़र जारी रखना है इसलिए उठना भी ज़रूरी है। उनको उठा दिया है, मैं भी थोड़ा थोड़ा अभी बैग पैक करके गाड़ी में रखना चालू कर देता हूँ, फिर हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करना है क्योंकि नहीं तो फिर अंधेरे के टाइम फिर ओली पहुँचेंगे तो फिर आज का दिन भी बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ देहरादून से निकल रहे हैं ना, तो बीच में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट ओली जाना मतलब इट इज़ 10-11 घंटे का ड्राइव है, तो डेफिनेटली दिस ये है या चोपटा यहाँ से और 1 घंटा है, बट यहाँ ऐसी जगह पे आप आराम से रुक सकते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया, 1 night या 2 nights करके फ्रेश होके फिर आगे आप जोशीमठ की तरफ।
सो हमने बात कर ली है ब्रेकफास्ट में, यहाँ चाय कॉफी के अलावा पूरी भाजी है, गर्मा गर्म आलू टमाटर की भाजी पूरी और आलू पराठा है, जो कि यहाँ नॉर्थ में अगर आप कहाँ भी आते रहेंगे तो यहाँ मैंने रास्ते पे देखा आलू पराठा, मैगी, मोमोज, ये सब तो यहाँ मिलता ही है। खाने पीने का ऐसा दिक्कत नहीं है, बच्चों के साथ आते तो कुछ ज़्यादा कैरी करनी जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ऑफबीट लोकेशन पे कभी स्नोफॉल हो जाए कि यहाँ अटक जाए तो थोड़ा बहुत आपको मेरे हिसाब से खाना वगैरह कैरी करना चाहिए। हमने जैसे पराठे वगैरह थेपले वगैरह कैरी किए थे तो कल हमने भाजी मंगाई, उनके साथ खाया, मज़ा आया। ये देखो ये प्रॉपर्टी है मंदाकिनी रिजॉर्ट, और ये है मंदाकिनी रिवर, और ये यहाँ जाने का रास्ता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं ओली। इट इज ओन बाय जीएमवीएन, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओन प्रॉपर्टी इसलिए है कि जब ये 1974-76 में ये हमारे पास गढ़वाल मंडल विकास, इसमें तीन विंग थे हमारी, टूरिज्म, मार्केटिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो तीन जीएम जो डिपार्टमेंट के जीएम होते थे वो तीन जीएम बैठते थे, कहीं कोई टूरिज्म के जनरल मैनेजर होते थे, मार्केटिंग और इंडस्ट्री। तो जैसे हमने यहाँ जो जीएमवीएन के जो स्टाफ से बात किया ना, तो ये पता चला है कि ये कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जिन्होंने जीएमवीएन में रजिस्टर्ड किया है। दिस इज जीएमवीएन, मतलब जो गढ़वाल मंडल है उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, ओन बाय देम, और जितने भी स्टाफ है ऑपरेटेड बाय देम। मंदाकिनी रिसोर्ट तिलवारा, जो कि रुद्रप्रयाग के पास है, यहाँ से हम निकल रहे हैं और अबारी जर्नी अब निकलेगी हमारी, गड्डी जाएगी ओली में, यहाँ से 4-4.5 घंटे का ड्राइव है ओली का। रास्ते में आपको रास्ता दिखाएंगे, देखेंगे कैसा रोड है। अब तक का तो जो देहरादून से यहाँ का जो रोड था तिलवारा का, जीएमवीएन मंदाकिनी रिसोर्ट का, बहुत ही बढ़िया था। और ये देखिए व्यू, तो अब हम जा रहे हैं मंदाकिनी रिवर देखने। मतलब ये जो रिसोर्ट है वो मंदाकिनी रिवर के बैंक पे ही, मतलब रिवर चल रही है और उसको टच कंपाउंड लगाया है, और वहाँ से इन्होंने छोटा एक रास्ता बनाया है जिसमें इन लोग बोलते हैं कि भाई रात को मत जाना, तेंदुए वगैरह का डर रहता है, दिन में जा सकते हैं। और ये देखो ये आ गई है मंदाकिनी नदी, हम लोग नदी के अंदर एक्चुअली है, वी ऑलरेडी एंटर्ड, अभी थोड़ा बहाव कम है, ऊपर से जैसे स्नोफॉल चालू होगा। ये जो मंदाकिनी रिवर है ये आगे जाके अलकनंदा को मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा बनती है, तो गंगा जी का ही एक्चुअली पानी बोल सकते हैं इसको। ऐसे वीडियो भी लंबी हो गई है, और प्लस हमारा आज का दूसरा दिन का जो सफ़र है वो भी आगे जारी रहेगा जोशीमठ और ओली की तरफ, तो मुझे लगता है हम यहाँ स्टॉप कर देंगे और आपको हमारे साथ बने रखेंगे। तो चलो करते हैं ये वीडियो को एंड, होप आप लोगों को ये वीडियो, ये रिजॉर्ट, हमारी टूर, हमारी जर्नी अच्छी लगी रहेगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कराते हैं आपको जोशीमठ और ओली की शेयर, उसके बाद हम जाएंगे मसूरी और ऑन दी वे धमाल। बाय बाय।